हेलो टोरस, टोरस यानी वृषभ राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज ये जो रीडिंग है ये 10 नवंबर से 17 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी, और ये ओवरऑल रीडिंग है जिसमें हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशन और इसके गाइडेंस के लिए देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि 10 नवंबर से 17 नवंबर तक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है या आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप जानते हैं सब पर रेजोनेट नहीं होती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने दोस्तों के लिए फ्रेंड्स के लिए पास कीजिए। तो चलिए चलते हैं, ये आपके हेल्थ वेल्थ स्टूडेंट्स जॉब बिजनेस और ये सिंगल्स और ये आया है रिलेशनशिप एंड जो हमारा लास्ट कार्ड आया है ये गाइडेंस के लिए आया है। तो चलिए चलते हैं। तो ये आपका 3 ऑफ वांड्स हेल्थ के लिए आया है, तो इसमें लग रहा है कि आपकी हेल्थ काफ़ी सही दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप समय पर एक्शन लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे तो आप हेल्थ वाइज आपकी सेहत अच्छी रह सकती है, ठीक रह सकती है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे, केयरलेस रहेंगे तो आपको डाइजेशन के इश्यूज इसमें हो सकते हैं, जैसे पेट से संबंधित कोई भी बीमारी आपको इसमें डाइजेशन आपका ख़राब हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, और पेट से संबंधित कोई भी ऐसी बीमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने मणिपुर चक्रा से रिलेटेड है, इससे तो इसमें ये डाइजेशन इश्यूज आपके हो सकते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए अपना और सेहत को तंदुरुस्त बनाइए, अच्छी बनाइए। तो अगर आप इस पर ध्यान देते हैं और घूमना फिरना रखते हैं, एक्शन लेते हैं, अपना हेल्थ पर प्रॉपर दवाइयाँ लेते हैं, घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं और खाना समय पर खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करती हैं, अगर इन चीज़ों से आप परहेज करते हैं तो आप अपने हेल्थ को काफ़ी अच्छा और तंदुरुस्त रख सकते हैं। वैसे भी एनर्जी आपके फेवर में है, आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इन दिनों आपकी हेल्थ सही रहने वाली है। तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये द स्टार ये वेल्थ के लिए आया है, तो हो सकता है कि पास्ट में आपने अपना वेल्थ को लेकर फाइनेंस में या बिजनेस में या जॉब को लेकर काफ़ी घाटा उठाया हो, काफ़ी नुकसान उठाया हो सकता है किसी ने अपना सब कुछ इसमें ख़त्म कर दिया है, दाव पर उनका सब कुछ लग चुका है, या कह सकते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अगर आप अभी डीप हीलिंग करते हैं, आपको डीप हीलिंग की ज़रूरत है, एक ऐसे हीलर से हीलिंग लेने की ज़रूरत है जो इसके बारे में ऑलरेडी जानता है। तो अगर आप इसमें डीप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर लगाते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, अगर भगवान में आस्था लगाते हैं ये सोच करके जो ख़त्म हो गया ठीक है, लेकिन आगे का आप फ्यूचर ठीक करना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन की, प्रेयर की, हीलिंग की ज़रूरत है। और आप पहले वाली पोजीशन आप धीरे धीरे करके पा सकते हैं और आप वेल्थ वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपको गोल्डन चांस मिलने वाला है, लगने वाला है, आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आपका वेल्थ भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। आगे जाकर पास्ट में जो हुआ था अगर उसको ध्यान में देखते हुए अगर आप डीप हीलिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, तो
ये स्टूडेंट्स के लिए आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपको, आप सेलिब्रेशन के मूड में हैं, सेलिब्रेशन करते नजर आएंगे। तो अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, कोई भी परीक्षा में बैठते हैं, या आप परीक्षा दे चुके हैं, तो उसका रिजल्ट भी आपके फेवर में आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। तो बहुत जल्दी आप इसको सेलिब्रेट करते नजर आएंगे। हो सकता है कि इन्हीं दिनों आप को कोई ना कुछ कोई खुशखबरी मिले आपके, आपकी पढ़ाई से लेकर। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, या कोई भी मतलब कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको इन दिनों मिल सकती है। एनर्जी आपके फेवर में है, तो आप एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफी इसमें कामयाब हो सकते हैं, काफी अच्छा सक्सेस हो सकते हैं। आप सेलिब्रेशन इसमें करते नजर आएंगे। कुछ बच्चों की इसमें हो सकता है स्कॉलरशिप मिले, मेरिट लिस्ट में नाम आए, काफी अच्छी जॉब, मतलब हाई स्टैंडर्ड की जॉब आपको मिल सकती है। एक अथॉरिटी, एक पावर वाली जॉब या करियर आपको मिल सकती है अगर आप मेहनत करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये जॉब के लिए आया है। तो जो लोग ऑलरेडी पहले जॉब करते हैं, कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। आप थोड़ा सा मुंह फट है, शाम मुंह पर बोलना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार वाणी मुंह फट बोलने से, या कह सकते हैं कि सामने बोलने से नुकसान हो सकता है। तो आप सोच समझ कर बोलिए, चाहे भले ही वह सत्य क्यों ना हो, लेकिन लोगों को थोड़ा सा इसमें परेशानी होती है, तकलीफ होती है। तो जिससे लोग आपसे कटते हैं, और इसमें जॉब में दूरियां हो सकती हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं, और जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं या नई जॉब आप पाना चाह रहे हैं, तो वहाँ क्लियरिटी की ज़रूरत है। आप क्लियर कीजिए हर चीज़ को, कागजात वगैरह चेक कीजिए, उस जगह को देखिए जहाँ के वो उनके अधिकारी हैं, उनसे अच्छे खुलकर बात कीजिए। मतलब आपको क्लियर कट हर चीज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी जॉब काफ़ी अच्छी रह सकती है, आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आगे करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सब जो आपके साथ मिलकर बिजनेस करते हैं या सामने वाला है, उसकी भी सुनने की ज़रूरत है। आप हमेशा अपनी चलाते हैं, अपनी सुनते हैं, आप सुनते सभी की हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। तो अगर आप दूसरे की को भी ध्यान में रख के इसको बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, और लोगों की सुनते हैं, तो आप इस बिजनेस को और अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। आपको मिलजुल कर चलने की इसमें सलाह दी जाती है। और एक इसमें अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेस, काफ़ी उन्नति पा सकते हैं। पेज ऑफ कप्स तो ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप अब तक सिंगल्स हैं, आप प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं, रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो ये एक आपको उसको जांच पड़ताल करके, उसके बारे में जान परख कर ही नई शुरुआत, नई बिगनिंग करनी चाहिए। बचपना छोड़कर अगर एक मैच्योरिटी के साथ अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, या प्यार मोहब्बत किसी से करते हैं, उसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, तो आगे जाकर ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप की एनर्जी बता रही है कि इसमें एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो ये रिलेशनशिप के लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो अगर आप इस रिलेशन को एक रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप शादीशुदा हैं, तो आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, मेहनत एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आप शादी में जाना चाहते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है,
एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। आप दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, आप दोनों ही इसको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, आप दोनों ही समझते हैं कि ये एक दूसरे के लिए बना है। यूनिवर्स भी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अभी शादी नहीं की है, तो अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये रिश्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है, गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है, गुड अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये गाइडेंस के लिए आया है। अगर आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत इसमें की जा सकती है। अभी एनर्जी आपके फेवर में है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और समय रहते एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर समय रहते आप एक्शन लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, सोच समझ कर डिसीजन लेकर अगर कोई काम करेंगे तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको समय रहते डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और बिना सोचे समझे कोई भी काम मत कीजिए, सोच समझ कर काम करने की आपको इसमें ज़रूरत है। आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है, प्रोग्रेस आपकी हो सकती है, तरक्की हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन का बटन दबाइए, और आप मुझ पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी हेल्प मिलती है, और मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।